आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जीएल शर्मा से, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, दिल के रोगों पर बात कर रहे हैं। और अब समय शुरू हो चुका है कॉल लेने का, और इस वक्त अगर कोई कॉलर हैं। हेलो, हाँ जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं सर पवन पारिक, मेरा नाम है, खंडेला से बोल रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब हैं सामने, आप बताइए, सवाल पूछिए अपना। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं 24/2/2019 को मेरा कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाई थी, तो मेरा जो ये LDL है ये था 202। हाँ जी। और श्रृंगली था 597, और ये TC टोटल जो था वो था 317। हाँ जी। उसके बाद में मैंने 2 महीने बाद फिर जांच कराई तो मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ने मेरे को कुछ दवाई दी थी कोलेस्ट्रॉल कम करने की, जिसमें मेरा ये BP था 160, अभी मेरा BP नॉर्मल 120 आ रहा है। हाँ जी। और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल में मेरा खाली ये ट्रिग्लिसरीड्स जो है वो 178 आ रहा है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये HDL रेशो ये 35.6 आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब क्लियर है। पारिक साहब, 120 आ रहा है। पारिक साहब, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल। आपको ब्लड प्रेशर है जैसा आपने बताया, और आपका ट्राइग्लिसराइड, LDL कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल तीनों बढ़े हुए हैं। दो ट्राइग्लिसराइड और LDL कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए हैं आपके। हाँ। तो आपने 3 महीने तक दवाई ली है? हाँ जी। और आप बंद कर दी दवाई? नहीं, दवाई चालू, और व्यायाम में 4 किलोमीटर डेली जाता हूँ। हाँ, आप घूमना चालू रखें, और जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख रखी है ना आपको, रोजुवास्टेटिन या एट्रोवास्टेटिन की जो गोली लिख रखी है, हाँ, और उसके साथ में फिनोफाइब्रेट दिया होगा आपको, वो गोली चालू रखें आप। और ब्लड प्रेशर न्यूरोकाइन डी लिख रखी है। न्यूरोकाइन डी तो वो तो न्यूट्रिएंट है, बी कॉम्प्लेक्स की गोली है, वो इससे फायदा, वो तो वीकनेस में फायदा करेगी। एक तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रखें, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर की जो दवाई है वो कंटिन्यूसली लेते रहें। साथ ही आप अपनी शुगर भी चेक करवाएं कि इतना ब्लड प्रेशर आपको है, इतना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो शुगर एक बार टेस्ट करवा लें। और कभी जयपुर आना जाना हो या सीकर में एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, TMT। हालांकि आप 60 साल की उम्र है, सिम्टम्स कुछ नहीं होंगे आपको, छाती में दर्द वगैरह तो है नहीं, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट करवा लें आप। और बाकी ये जो रोजुवास्टेटिन और एट्रोवास्टेटिन की गोली है वो चालू रखें, बंद मत करना। जी डॉक्टर साहब, ये बात चली तो ये क्या कि लो BP भी कई बार हो जाता है क्या हार्ट की बीमारी की वजह से? हाई तो होता है। लो BP हार्ट के पेशेंट में होता है, या तो अपन ज़्यादा डोज की दवाएं ले रहे हैं, या फिर आपका हार्ट का जो पंप है वो कम काम कर रहा है, या फिर आपके हार्ट के वाल लीक करने लग जाते हैं, हार्ट में वाल में ब्लॉकेजेज हों, तो उसमें आपका BP लो हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसमें BP लो भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सर मैं नर्सिंग बोल रहा हूँ। कहाँ से? जोधपुर से सर। जोधपुर से? हाँ जी। आप बोलिए बोलिए, सवाल पूछिए फटाफट। डॉक्टर साहब बात हो रही थी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए ना। सर जी मेरे को एक अटैक आया हुआ है। ओके, आप अपना अपने TV की आवाज कम कर दें, वरना वो कंफ्यूज करेगी आपको। तो सर कह रहा हूँ मेरे को एक अटैक आ गया है। हाँ आगे बोलो। और मैं MDM की हॉस्पिटल की दवाई ले रहा हूँ सर। अच्छी बात है। अब कैसे क्या करूँ कि मेरे को बार बार नहीं आएगा? आपकी उम्र कितनी है पहले तो मेरे को बताओ। सर मेरी 33 साल है सर। 33 साल है। क्या काम करते हैं आप? ट्रैफिक पुलिस में करंट चलाता हूँ सर। अच्छा, अटैक कब आया था आपको? 2017 में सर। 2017 में आपकी एंजियोग्राफी करी अटैक के बाद में? एंजियोग्राफी को नहीं बोले थे मेरे को। अच्छा, तो अटैक कैसे पता चला आपको? ECG में पता चला हुआ अटैक आया हुआ? ECG आया था, और फिर 10 दिन एडमिट रहा था। तो इकोकार्डियोग्राफी करी थी उस टाइम में? हाँ सर। इको में आपका हार्ट का जो पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन, वो नॉर्मल था या कम हो गया था? वो तो मेरे को नहीं बताया था सर जी। अच्छा ठीक है, अभी कोई तकलीफ नहीं है आपको? नहीं अभी तो कोई तकलीफ नहीं है सर। और 33 साल की उम्र है आपकी? हाँ जी। तो अटैक आया हुआ 2017 में, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है आपका, TMT का टेस्ट, वो करवा के पता कर लो आपकी, आप किस रिस्क पे हैं, आपको ब्लॉकेजेस हुए थे या नहीं हुए थे, या आगे होने की संभावना है। और दूसरा, आपका लिपिड प्रोफाइल आप करवा लो, और जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ब्लड टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल ब्लड का टेस्ट होता है, वो करवा लें, और जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उस डॉक्टर के माध्यम से आप खून पतला करने की गोली
और कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली का सेवन जरूर करें। वो तो एक मामूली सी गोली आती है खून पतला करने की, बिल्कुल छोटी सी गोली आती है। क्या नाम है उसका बड़ा? एट्रोस्टेटिन आती है और एस्पिरिन की गोली आती है। एस्पिरिन, एस्पिरिन। हाँ, चलते रहते लोग एस्पिरिन लेते हैं खून पतला करने के लिए। जी बिल्कुल। हाँ, एक कॉलर और मैं साथ जुड़ गए हमारे, आइए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? किशनगढ़ से। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ कन्हैयालाल बोल रहा हूँ साहब। सवाल पूछो भाई। किशनगढ़ से सवाल पूछो। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को बीपी की दवाई। पूछो ना भाई। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ऐसा बीपी की दवाई बराबर ले रहा हूँ, 25 साल करीब हो गए मेरे को। जी जी जी। पहले एम कार्ड एल्टी चलती थी। हाँ हाँ। फिर एक बीच में दूसरी चेंज कर दी थी, उसका याद नहीं है मेरे को। अभी ऑलमोस्ट 740 चल रही है। बहुत बढ़िया, अच्छी गोली है। तो अब मैं कह रहा था आपको कि लॉन्ग टाइम से ले रहा हूँ, तो ये कोई इसका इफेक्ट कुछ नहीं? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि आमूमन ये धारणा बनी रहती है कि बीपी एक दवाई लेने के बाद में महीने दो महीने के बाद में ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। बीपी अपना एक परसिस्टेंट होता है, पूरी जिंदगी भर रहता है, जीवन भर रहता है। और बीपी को कंट्रोल करके रखना इसका सबसे बड़ा समाधान है। अगर बीपी को अपन कंट्रोल नहीं करेंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो अपने बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अपन को हार्ट अटैक आ सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, आँखें की ज्योति जा सकती है, अपनी पैरों में और हाथों में जो धमनियाँ होती है उनमें ब्लॉकेज आ सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे 20 साल से दवाई ले रहे हैं। पैरालिसिस हो सकता है, वो हार्ट बताया ना मैंने, ब्रेन में क्लोट आ सकता है, वो पैरालिसिस हो सकता है। तो आप 20 साल से दवाई ले रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि आपका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल है। आगे भी आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहें और दवाई का सेवन करते रहें टाइम टू टाइम। कभी कभार एक दवाई असर नहीं करती है तो डॉक्टर के माध्यम से दूसरी दवाई उसको चेंज करवा लें और बीपी आप 130-80 से 120-80 से कम ही रखें, उसको कंट्रोल रखें। जी डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर साहब बीपी की बात है, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे बुखार कोई बीमारी नहीं है, भीतर कोई बीमारी उसका सिम्टम है कि बुखार आ गया, बॉडी उससे लड़ रही है बीमारी से, ऐसी बीपी भी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कोई है बीमारी, कोई चीज़ है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है घट रहा है? यस, ये नॉर्मली अपने बॉडी की कोई एबनॉर्मलिटी है, प्रेशर होता है, टेंशन होता है अपना, जिस टेंशन से बीपी से हार्ट अपने हार्ट ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोपेल करता है बाहर, और ये कॉम्बिनेशन होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और बाहर रिजिडिटी प्रेशर उसको देख के। तो ये नॉर्मली डिजीज नहीं होती, ऐसी धारणा नहीं है। नहीं मतलब वो जिनमें हो जाता है उनके लिए प्रॉब्लम होती है, और जिनके रिलैक्स रहने वाले आदमी होते हैं उनमें नहीं होती है। जिनको हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू शुरू में तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ओके ओके। जब कॉम्प्लिकेशन होना चालू हो जाते हैं, जैसे आँखों की ज्योति जाना चालू हो जाता है, या सिर में दर्द होना चालू हो जाता है, गुर्दे में असर आना चालू हो जाता है, चक्कर आना चालू हो जाता है, तो इसमें एक आध गोली से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और उसको नियमित ले लें आप। जी जी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर आजकल कॉमनली होता है, सब एजेस में देखा जा रहा है ये, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयों के माध्यम से आ गया है। एक और कॉलर साथ में हमारे, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, और जल्दी से सवाल पूछिए। कहाँ से? जाना डूबी जयपुर से। मेरा साहब बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए साहब। मैं 2.5 साल पहले मैंने एंजियोग्राफी 2 स्टेंट लगे मेरे जी, लेकिन मैं पैर से हैंडीकैप्ड हूँ। हाँ जी। तो मैं चल फिर नहीं सकता, आपने घूमने के लिए बताया ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा मेरा साहब। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आप लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, ये मैं A1 TV के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। ऐसी सिचुएशन में एक तो अपन आप डाइट कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है घूमना फिरना साइकिलिंग स्विमिंग करना, डाइट कंट्रोल करें। दूसरा, क्या चीज नहीं खाएं डाइट में? डाइट में आप क्या कम खाएं? घी और तली हुई चीजें होती है ना, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। और जो धारणा होती है कौन सा तेल खाएं कौन सा तेल नहीं खाएं, सरसों का तेल खाएं, या फिर मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं उनका, बदल बदल के तेल खाएं आप। और आप पैरों से हैंडीकैप्ड है तो आप या तो जिम में कुछ एक्सरसाइज होती है जो ट्रेनर बता देता है, या स्टेशनरी साइकिल होती है वो स्टेशनरी साइकिल करें आप, वो तो आप कर सकते हैं। आई थिंक एक ही पैर से हैं, दोनों पैरों से आप हैंडीकैप्ड हैं बताइए, दोनों पैर से एक पैर से?
कॉल कट गया शायद। चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपने बताया कि तो घी तेल कम खाएं और ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो पांव से नहीं होती, हाथ से हो सकती, पसीना बहाना, बेसिक चीजें आप कैलोरी कंज्यूम करें, कैलोरी कंज्यूम करें। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि आदमी कैलोरी कंज्यूम नहीं करता और वो फिर इकट्ठी होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है, आलू खाते हैं, घी खाते हैं और मेरे ख्याल से चावल खाते हैं, इनसे भी ज्यादा थोड़ा। हाँ, नॉर्मली अपन जो इंडियंस होते हैं और स्पेशली मारवाड़ी लोग होते हैं वो घी का सेवन ज्यादा करते हैं और समोसे कचौड़ी, नॉर्मली मिठाई ज्यादा खाते हैं। जी जी हाँ, मिठाई यूजुअली कार्बोहाइड्रेट जाके फैट में कन्वर्ट होके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। प्रोटीन्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए अपन को, और अगर अपन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन्स का मतलब ये जैसे दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये चीजें हो गई, और ये जो पनीर रसगुल्ले, पनीर खाने चाहिए आपको, रसगुल्ले खाने, कच्चा पनीर मतलब बिना, कच्चा पनीर खाने बिना तला, बेस्ट दालें होती है अगर वेजिटेरियन तो, बेस्ट दालें होती है, और अगर आप नॉन वेज होते हैं तो बहुत सारी प्रोटीन्स मिलती है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो लोग ज्यादा खाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैलोरी बर्न कैसे करें आप, तो स्विमिंग, साइकिलिंग, और अगर आप ये दोनों भी नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह या शाम को मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करें, हफ्ते में 5 दिन तक 30 से 40 मिनट तक, 3-5 से 4 से 5 बार हफ्ते में करें, उससे आपका बॉडी का वेट भी अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट नहीं होता है, और सीढ़ियां भी चढ़ें जैसे आप करके आए अभी। बिल्कुल जी, मैं तो नहीं करता हूँ, और मैं आपके दर्शकों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने से ज्यादा आप फिट रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, जितने ज्यादा आप फिट रहेंगे उतना अच्छा आपका लाइफ रहेगा, उतना आप बीमारी से दूर रहेंगे और उतना ही अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बातचीत में एक बात छूट गई, वॉल्व खराब होता है, वॉल्व रिप्लेस कर दिया जाता है, और एक बात जो हार्ट रिप्लेस हो जाता है आजकल, दिल ही बदल जाता है, दूसरा दिल हमारे दिल में आ गया, हमारे शरीर में आ गया, दोनों बातें। आपने जो क्वेश्चन पूछा वाल्व का, वाल्व की बीमारी जन्मजात भी हो सकती है, उसमें ब्लॉकेजेस भी आ सकते हैं वाल्व में, वाल्व सिकुड़ भी सकता है और वाल्व में रिगर्जिटेशन लीकिंग भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो अपने इंडिया में पाई जाती है बीमारी वो रूमेटिक हार्ट डिजीज की बीमारी होती है, जिसको अपन पैरों की जो बाई बोलते हैं, गठिया बाई बोलते हैं, गठिया बाई की वजह से ये बीमारी होती है, और 5 से लेकर 15 साल की उम्र में गठिया बाई जब होती है तो उसमें गला खराब होता है, उस टाइम में वाल खराब होने की समस्या हो जाती है। गठिया बाई में जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जी हाँ। रूमेटिक हार्ट डिजीज, जी हाँ। इसका आप बीमारी तो हार्ट की हो रही है लेकिन दर्द आपके जोड़ों में हो रहा है। जी जी, जब जोड़ों में दर्द होता है तब हार्ट की बीमारी नहीं होती, लेकिन 10-15 साल जब निकल जाते हैं उस टाइम में पता चलता है कि किसी का हार्ट चौक हो गया, ब्लॉक हो गया और किसी का लीक करने लग गया। अपने हार्ट में आपने पूछा कि वाल की बीमारी, तो अपने हार्ट में 4 वाल होते हैं, 2 बाईं तरफ होते हैं और 2 दाईं तरफ होते हैं। बाईं तरफ के जो वाल होते हैं वो मिट्रल वाल होते हैं, वो आलिंद और निले के बीच में वन वे सिस्टम होता है, और एवोर्टिक वाल होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और महाधमनी के बीच में वाल होता है, वो एवोर्टिक वाल होता है, और राइट साइड में जो वाल होते हैं अलिंद और निले के बीच में वो ट्राइकस्पिड वाल होता है, और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी धमनी के बीच में होता है वो पल्मोनरी वाल्व होता है। तो आमतौर पे जो बीमारी होती है वाल की, या तो सिकुड़ जाता है या लीकिंग करने लग जाता है। जो सिकुड़ता है, आइसोलेटेड सिकुड़ा हुआ वाल होता है, तो उसको भी बलूनिंग के माध्यम से खोल दिया जाता है, लेकिन अगर जब लीकिंग होने लग जाती है वाल में, और लीकिंग इस लेवल पर पहुँच जाती है कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना तकलीफ हो जाती है, फटीग हो जाती है, आप डे टू डे लाइफ के काम ही नहीं करना कर पाते हो, तो उन सिचुएशन में डॉक्टर आपको वाल चेंज करने की सलाह देता है, और उन रोगियों के लिए वाल चेंज किया जाता है। तो नॉर्मली 1 वाल चेंज हो सकता है या 2 वाल चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके 1 वाल बीमारी होती है या दूसरे वाल में बीमारी होती है। आजकल जो आपने पूछा है, तो नई तकनीक आ गई है, बिना ऑपरेशन के भी वाल चेंज होते हैं, उसको तावी बोलते हैं, उसमें जो आर्टिफिशियल स्टेंट नुमा एक वाल होता है वो कैथेटर के माध्यम से ही फिट किया जाता है एओर्टिक वाल पे, और उसमें ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, उसको तावी प्रोसीजर बोलते हैं। जो दूसरा सवाल आपने अनिल जी पूछा है, जी हाँ डॉक्टर साहब, किसी का दिल किसी के शरीर में धड़कने लग जाता है, किसी का दिल कमजोर हो जाता है तो उसको हम हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, लेकिन ये टेक्निक अभी बहुत ही आम आदमी के पहुंच से बाहर की चीज़ होती है, क्योंकि आपको हार्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज जीवित आदमी तो अपना हार्ट दे नहीं सकता, लेकिन ये कैडेवरिक ट्रांसप्लांट होता है जिसका ब्रेन डेथ हो गई ब्रेन डेड हो गई हो,
और जिंदा होने की वापस संभावना नहीं हो, बिल्कुल संभावना नहीं होती है। और फैमिली जिनमें हार्ट डोनेट कर पाती है उन परिवारों को धन्यवाद देना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी में प्रमोट करना चाहिए कि आपका ब्रेन डेड हो गया, ये जो हृदय है अगर दूसरे पीड़ित के काम आ जाए तो जो एक आदमी का हृदय वहाँ धड़क रहा था दूसरे आदमी की लाइफ बचा सकता है, उन सिचुएशंस में ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। जीवित आदमी अपना हार्ट ट्रांसप्लांट किसी दूसरे को नहीं देता। एक शरीर से निकालने के कितनी देर बाद तक ट्रांसप्लांट होने के लायक रहता है? एक्चुअली इसका टाइम पीरियड तो डिफाइन नहीं है, लेकिन जब हार्ट हम निकालते हैं किसी ब्रेन डेड पेशेंट से तो उसको कार्डियोप्लीजिया करके ठंडक में रखते हैं, एक इसकी कोल्ड चेन होती है उस कोल्ड चेन में रखते हैं और इमीडिएटली लेस देन 6 आवर्स आपको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना पड़ता है। इसमें जितना जल्दी पहुंचाएंगे उसको हार्ट को अपन पैरालाइज ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, जैसे ही उसको पैरालिसिस का असर जाता है तो वापस कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देता और उस हार्ट को जो ब्रेन डेड से निकाला गया दूसरे रेसिपिएंट में फिट करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि जब ऐसा कोई ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट मिलता है तो क्या कोई ब्लड टेस्ट करना पड़ता है कि किसी के लग सकता है या किसके नहीं लग सकता है? सबके लग सकता है? नहीं, सबके नहीं लग सकता। अपने ब्लड में ग्रुप्स होते हैं जी, कुछ HLA टाइपिंग होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं AB AB एंड O। एक ग्रुप का ब्लड एक ग्रुप में जैसे चढ़ता है वैसे एक ग्रुप का हार्ट उसी ग्रुप में लगता है, उस ग्रुप में भी बाद में HLA टाइपिंग्स होती है। सपोज आपने एक हार्ट जो अमूल्य वस्तु होता है और मिलता नहीं है, अगर मिल गया और उसको आपने ऐसे रेसिपिएंट में लगा दिया कि जो मानने नहीं है, जिसका टाइपिंग ही नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। जी जी, तो ऐसे पूरी सारी टेस्ट करते हैं कि आपको लिस्ट होती है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट के रिक्वायर्ड लोगों की लिस्ट होती है, हार्ट जिस दिन डोनर मिलता है उस दिन उनकी मैचिंग की जाती है कि भाई कौन सुटेबल है, और जो एक उनकी लिस्ट के माध्यम से उनको कॉल किया जाता है इसमें कौन इच्छुक है, तो जो HLA टाइपिंग और ब्लड ग्रुपिंग के बाद में दोनों हार्ट मिलते हैं उन हार्ट में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसा भी होता है नेगेटिव वाले का नेगेटिव को लग सकता है, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाला नेगेटिव को लगता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव। पर इसमें ये है क्या, वो पॉजिटिव सबको यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, उसमें हार्ट में भी ऐसा कर सकते हैं। फिर HLA टाइपिंग की जाती है, उस HLA टाइपिंग में अगर मान्य होता है तो लगाते हैं, अदरवाइज इतना मेजर डिसीजन नहीं लेते। और हार्ट जब किसी का अवेलेबल होता है और जैसे जयपुर में अवेलेबल हुआ और दिल्ली में लगाना है तो बाकायदा प्रशासन ग्रीन कॉरिडोर बनाता है, सारी गाड़ियां ट्रक और सब रोक दी जाते हैं एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, फिर एयर एम्बुलेंस से वो दिल्ली जाता है उन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज में उस टेम्परेचर पर, और वहाँ भी ग्रीन कॉरिडोर बनता है, या हेलीकॉप्टर से जाता है तो वहीं उतरता है अस्पताल में। तो ये ग्रीन कॉरिडोर सरकार बनाती है, ये ट्रैफिक पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये भी पूरा सहयोग करते हैं। मुझे ध्यान है एक बार ऐसे ही जयपुर से जब यहाँ दिल्ली गया था तो पूरा रास्ता रोक करके और एम्बुलेंस से एयर एम्बुलेंस से भेजा गया और फिर वहाँ एक दूसरे व्यक्ति के लगाया गया, दिल में उसके शरीर में धड़कने लग गया दिल। तो ये भी एक बड़ी मतलब कई कई सारी एजेंसीज इसमें काम आती हैं कुल मिलाकर के, ताकि 6 घंटे के अंदर दिल वहाँ पहुँच भी जाए और उस आदमी के लग भी जाए। तो ये बहुत तैयारी से और बिल्कुल टाइम मिसमैच नहीं हो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो दिल बदल देते हैं ये फिर बदला हुआ दिल दूसरे का दिल आ गया तो वो कितने दिन काम कर सकता है या जब तक उसकी नॉर्मल लाइफ होती है? देखो, हार्ट अगर किसी को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है तो वो नॉर्मल हार्ट हो गया, वहाँ पे उसका संकुचन वैसे ही होता है जैसे कि वो डोनर में कर रहा था। इसमें बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं बाद में जाके, लेकिन ये वैसे ही काम करेगा जैसे इसके डोनर में जिसने डोनेट किया है वैसे ही काम करेगा, जैसे काम कर रहा था। और समय जैसे निकलता है तो उसमें वो विकृतियाँ भी आ सकती है जो एक आम आदमी के हार्ट में आती है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस का आना, वाल लीक करना, अगर हार्ट ज़्यादा काम कर रहा तो हार्ट फेल होने की समस्या, ये सारी विकृतियाँ डोनर हार्ट में भी आ सकती है जैसे आम मरीजों में आती है, आम पब्लिक में आती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने कर ली और ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि किसी की कभी डेथ हो जाती है तो लोग उसके पंप करते हैं हार्ट को वापस जिंदा करने के लिए कि थोड़ी देर में शायद वापस 10-20-25 सेकंड में जिंदा हो जाए, हार्ट वापस चल पड़े तो उसको हाथ से पकड़ के और झिझोड़ा जाता है उसके फेफड़ों को और उसको, ये क्या है, इससे क्या वापस रिवाइव हो जाता है आदमी, संभावना है? ये CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसाइटेशन जी। नॉर्मली जैसे हार्ट अटैक आता है तो जो पहला घंटा होता है उस घंटे में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और जो डेथ होती है वो पहले घंटे में डेथ होती है।
अगर किसी को हार्ट अटैक आया हुआ होता है तो हार्ट रुक गया, उस समय अगर ट्रेंड स्टाफ आपके पास में है और अगर वो CPR कर दे, पंपिंग कर दे और माउथ टू माउथ ऑक्सीजन उसको दे दे तो, और करते करते हॉस्पिटल में पहुंच जाए, तो उससे उसकी लाइफ बच सकती है। आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में डिफिब्रिलेटर हर जगह लगा होता है, शॉकिंग मशीन जो होती है, शॉकिंग मशीन जो हम हॉस्पिटल में ICU में CCU में कैथ लैब में अगर किसी का हार्ट रुक जाता है तो शॉकिंग मशीन वहाँ पे शॉक लगाते हैं, तो शॉकिंग मशीन अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे है, यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे, बड़े बड़े मॉल्स पे हैं जहाँ पे भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और हार्ट अटैक के आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, हर किसी को आ सकता है हार्ट अटैक, तो उस समय अगर आपको शॉक लगा दिया और अगर ट्रेंड CPR मिल गया और CPR करते करते आप हॉस्पिटल पहुँच गए तो ऐसे लाइफ आपकी बच सकती है, क्योंकि उस समय आपके हार्ट को सपोर्ट की जरूरत होती है। शॉक क्या, बिजली का करंट लगाते हैं? बिजली का करंट लगाते हैं जी, DC शॉक लगाते हैं क्योंकि अपने हार्ट ऐसी चीज, डायरेक्ट करंट का, हाँ करंट का, डायरेक्ट करंट का शॉक लगाते हैं, DC शॉक, तो उससे जो हार्ट की अनियमितताएं होती है, जो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी होती है, उनको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो दोनों अनियमितताएं अगर DC शॉक लग जाता है तो नॉर्मलाइज हो जाती है, और अगर आपका हार्ट रुक गया, चलते चलते रुक गया, अटैक की वजह से रुक गया, तो शॉक लगाने से वो वापस उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका संकुचन वापस चालू हो जाता है। तो ये CPR की विधियाँ होती है, इस विधि को ट्रेंड आदमी करते हैं, जैसे फायर सिस्टम वाले करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर करते हैं, और नर्सिंग स्टाफ को तो हमें ट्रेनिंग देते देते हैं, डॉक्टर की तो लाइफ का काम होता ही होता ही है। लेकिन मैं आम पब्लिक से भी ये गुजारिश करता हूँ, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको CPR की टेक्निक आपको देनी चाहिए, CPR उसको करना चाहिए और उसको नियर बाई एक्सीडेंट इमरजेंसी में पहुंचाना चाहिए, उससे अगर 10 में से एक लाइफ भी बच जाती है तो ये अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, पुण्य का काम है जी। डॉक्टर साहब, ये दो बातें होती है, एक कोई कहता साइलेंट अटैक आया है, ये साइलेंट अटैक क्या चीज़ होती है जो दूसरे नॉर्मल अटैक से अलग होता है क्या? साइलेंट मतलब बिना कोई सिम्टम्स के कोई चीज़ होती है, अगर अपन बिना दस्तक के किसी के कमरे में घुस जाते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं तो साइलेंटली घुसना हो गया, ऐसे ही अगर अटैक आता है तो सबसे पहले हाथ में दर्द भी नहीं हुआ, दिल भी नहीं धड़का, दर्द में दर्द नहीं हुआ, पसीना नहीं आया, चक्कर नहीं आए और फिर अटैक आ गया, बिना सिम्टम्स के, बिना नोक किए किसी के घर में घुसना साइलेंटली होता है, ऐसे ही बिना सिम्टम्स के, बिना छाती में दर्द हुए, बिना सांस लेने में तकलीफ हुई, बिना उल्टी आए, बिना पसीना आए, अगर ECG में अपन को पता चलता है कि भाई अटैक आ गया, ECG में अगर एबनॉर्मलिटी आती है उसमें अटैक के सिम्टम्स आते, अटैक के साइन आते हैं तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। ECG तब कराएगा जब हॉस्पिटल आएगा आदमी, तो घर में क्या क्या महसूस हो जो आपके पास आए हॉस्पिटल, वो ऐसे जो साइलेंट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स है वो इंसिडेंटली पता चलता है, उनको सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स के बाद तो अपन बोलते ही भाई अटैक आया हुआ है इसको, हाँ हाँ जी, और जैसे ECG करवाया किसी ने, ECG में अगर चेंजेज आते हैं, वो अनायासी चेंजेस पता चलते हैं, उसको साइलेंट बोलते हैं। उस साइलेंट हार्ट अटैक कुछ लोगों में कॉमन होता है, जैसे आपको डायबिटीज है, मधुमेह है, और वो काफ़ी समय से मधुमेह है, ऐसे मधुमेह वाले लोगों को छाती में दर्द नहीं होता हार्ट अटैक के टाइम में, और उनको डायरेक्टली ECG के लिए भेजा जाता है या पसीना नहीं आता, उसमें सांस लेने में तकलीफ ऑल ऑफ सडन हो गई और उसके ECG में पता चला कि आपको अटैक आया हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक साइलेंटली बोलते हैं, और ये कॉमनली होता है या तो ओल्डरली पीपल्स में, जो एजेड पीपल्स होते हैं उनमें, और दूसरे जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, तो जिनमें बिना सिम्टम्स के ECG में चेंजेज आ जाते हैं, अटैक के चेंजेज आ जाते हैं, उनको बोलते हैं उसकी किस्मत है, फिर अस्पताल में पहुंच गया और उसका पता लग गया उनको, डेफिनेटली उसकी किस्मत, घर में तो पता ही नहीं लग रहा उसको साइलेंट अटैक है, बिल्कुल कहते हैं साइलेंट अटैक से रात में मर जाता आदमी, पता ही नहीं लगता, सोते का सोता रह गया, सोते का सोता रह गया, ऐसा कई बार कहते हैं ना, रात में सोए थे सब सुबह उठे नहीं, बिल्कुल साइलेंट अटैक आया, कुछ दर्द हुआ ना, कुछ चक्कर आया ना, कुछ हुआ और आदमी दुनिया से चल बसा। तो देखिए बहुत सारी बातें, लास्ट में डॉक्टर साहब मैं फिर एक बार वापस उसी जगह आता हूँ कि ये जो दिल है इसका उन सारी बातों से कहीं कोई संबंध है क्या, जिन बातों के लिए कविता में गाता हूँ, गानों में दिल धड़कता है, दिल दे देते हैं, दिल में बसता है, तमाम बातें की जाती है, कहीं इस दिल में कहीं वो जगह है क्या सर कि कहीं कोई आके बस जाए, कोई किसी को दे दे हम ये, या वो वास्तव में सब चीज़ें दिमाग में ही है? देखो दिल और दिमाग दो अलग अलग ऑर्गन होते हैं, मैं एज ए डॉक्टर तो इनको हेल्दी ऑर्गन भी देखता हूँ, और मेरा काम होता है ये विकृत ऑर्गन से काम पड़ता है मेरा जी, हेल्दी से हार्ट से वाले बहुत कम आते हैं मेरे पास में, हेल्दी दिमाग वाले बहुत कम आते हैं। आपका पूछने का जो सवाल है वो शायराना सवाल है,
आज तक इतने शायर हुए हैं, वो हार्ट के बारे में, दिल के बारे में इतनी चीजें लिखी है उन्होंने, वो चीजें भी कम है। कविताएं लिखी गई हैं, हाँ वो चीजें भी कम है। अब आगे भी पता नहीं क्या क्या लिखे जाएंगे, वो इमोशन होते हैं, लेकिन जो एज ए डॉक्टर हम फील करते हैं वो इसमें नहीं है। हमको ऐसा कुछ लगता नहीं है, ये दिमाग का काम, दिमाग है। का सोच है, दिमाग का नजरिया है, इमोशन है, जो हार्ट को केंद्रित केंद्र में रख के इतनी सारी चीजें शायर होते हैं, लिखी गई जी, कहीं ना कहीं चीजें होती है। तो जो जो कविता में दिल है वो ये दिल नहीं है, फिर भी ये दिल का मामला है, कोई दिल्लगी ना करें, बहुत ही एहतियात से अपने दिल का ध्यान रखें, और खाने पीने में, पैदल चलने में, कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में, अपनी कैलोरीज को कंज्यूम करने में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा साइकिल चलाएं, पैदल घूमें, सीढ़ियां चढ़ें, एलिवेटर का कम उपयोग करें, लाइफस्टाइल अपनी ठीक करें, बीपी और शुगर हो तो बहुत ध्यान रखें कि कहीं इनकी वजह से हार्ट डिजीज ना हो जाए। और आज हमने डॉक्टर डॉक्टर जीएल शर्मा जी से बात की, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत प्रसिद्ध जयपुर में हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब पहले भी आप कहीं बाहर भी रहे? मैं फ्रांस में था जी। डॉक्टर साहब पहले फ्रांस में थे और ये जयपुर के पास के रहने वाले हैं, और यहाँ आकर के इन्होंने अपनी ज़मीन पर आकर सेवा करना उचित समझा, जरूरी समझा, और वहाँ से यहाँ आकर, मैं शायद जब यहाँ आए थे राजस्थान में, शुरू किया था काम, तब से डॉक्टर साहब को जानता हूँ। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, आज आप पधारे, हृदय रोग के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ हम एक घंटे के इस कार्यक्रम में समेट कर दर्शकों के सामने रख पाए, और सारी बातें सुनने के बाद भी शायद दर्शकों के मन में कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए होंगे, तो इसके लिए फिर कभी किसी दिन डॉक्टर साहब को कष्ट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए, और हेलो डॉक्टर के महा एपिसोड की श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज हमने हृदय रोग पर बात की। अगले हफ्ते इस महा एपिसोड की अगली कड़ी में हम फिर किसी खास बीमारी, खास अवयव के विशेषज्ञ से बात करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे, और आपके सवालों के जवाब उनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।